फिनटेक ने फाइनेंशियल सर्विस को डेमोक्रेटिक बनाने में भी बड़ी भूमिका निभाई है। लोन, क्रेडिट कार्ड, इन्वेस्टमेंट, इंश्योरेंस जैसे प्रोडक्ट सबके लिए आसानी से सुलभ हो रहे हैं। मैं एक उदाहरण देता हूँ। आप जानते हैं भारत में स्ट्रीट वेंडर्स की एक पुरानी परंपरा है, लेकिन वो फॉर्मल बैंकिंग से बाहर थे। फिनटेक ने इस स्थिति को भी बदल दिया है। आज वो पीएम स्वनिधि योजना से कोलेट्रल फी लोन ले पा रहे हैं। कभी शेयर और म्यूचुअल फंड जैसे प्रोडक्ट में इन्वेस्टमेंट बड़े शहरों में ही संभव था, आज गांव और कस्बों में भी इन्वेस्टमेंट के इस एवेन्यू को बड़ी संख्या में एक्सप्लोर किया जा रहा है। आज कुछ ही मिनटों में घर बैठे ही डीमैट अकाउंट खुल रहे हैं। आज बड़ी संख्या में भारतीय रिमोट हेल्थ केयर सर्विस ले रहे हैं, डिजिटली ऑनलाइन पढ़ाई कर रहे हैं, स्किल्स सीख रहे हैं। यानी भारत की फिनटेक क्रांति डिग्निटी ऑफ लाइफ, क्वालिटी ऑफ लाइफ उसको बेहतर बनाने में भी बड़ा रोल निभा रही है।